मुंबई से सटे नई मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 16 विदेशी नागरिकों को 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। नई मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने नई मुंबई के खारघर इलाके में छापेमारी की, जहां चरस, गांजा समेत कई तरह के न सिर्फ ड्रग्स बरामद हुए हैं, बल्कि इसकी तस्करी करने वाले नाइजीरिया जैसे देशों में रहने वाले 16 विदेशी नागरिकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों में 6 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से अलग अलग तरह के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वजन करने वाला कांटा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कथित आरोपियों को अदालत में भी पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित आरोपी ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप कहां से लाए और कहां कहां सप्लाई करने वाले थे। जो कार्रवाई आपको हम बता रहे हैं, ये कार्रवाई नशा मुक्त नई मुंबई के अंतर्गत कल शाम को शुरू की गई। इस कार्रवाई के बारे में आपको इत्तला देता हूं कि पीआईएनसी श्री सैयद, इनको इंटेलिजेंस मिला एएनसी को कि कुछ परदेशी नागरिक नई मुंबई में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, और ये इंटेलिजेंस के अनुसार उन्होंने वरिष्ठों को बताया और टीम फॉर्म की, और डीसीपी क्राइम और हमारे मार्गदर्शन के अंडर एसीपी पासलवाड़, पीआईएनसी श्री सैयद, पीआईएसटी आहिर और बाकी सब अधिकारी कर्मचारियों ने वहां रेड की, और उस रेड में उन्हें 16 परदेशी नागरिक जिनमें महिलाओं का भी समावेश है, उनके साथ गांजा, चरस, मेथिकोलोन इत्यादि, उनको अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का मुद्देमाल जगह पे मिला। वो मुद्देमाल के बारे में कल शाम से जो कार्रवाई चालू थी वो रात भर चालू थी, और अभी भी उस कार्रवाई के बाद कोर्ट प्रोडक्शन और बाकी सब कार्रवाई में खुद आयो पीआईएसएफ व्यस्त है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उस कार्रवाई के बाद कोर्ट प्रोडक्शन और बाकी सब कार्रवाई में खुद आयो पीआईएसएफ व्यस्त है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और हमारी पूरी टीम ने इसमें बहुत बढ़िया काम किया है, और डीसीपी क्राइम श्री अमित कारे, इनके मार्गदर्शन नीचे मैंने एसआईटी का फॉर्मेशन किया है, और इस एसआईटी में एसीपी खुद, हमारे पीआईज और बाकी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। इस कार्रवाई में रेड सक्सेसफुल होने के बाद जो लोकल पुलिस है उनका, मुख्यालय का जो आम पुलिस है उनका हमें बहुत सहयोग मिला।